Good morning, student. How are you? I hope you all are well, safe, and healthy. Student, in our previous video, we discussed about exercise 7.3. हम previous video में exercise 7.3 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने question number 4 तक complete कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे, discuss करेंगे question number 5. तो question number 5 शुरू करने से पहले, चलिए अपनी books, notebook open कर लीजिए. बुक में पेज नंबर 119 ओपन करिए. इसमें आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन बोथ इन एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. देखिए ये फ्रैक्शन दे रखा है, ये इस तरीके से. अब आपको इसमें एसेंडिंग और डिसेंडिंग बताना. तो कैसे बताएंगे? देखिए जब ऊपर के नंबर्स, ये क्या है, 1 1 1, न्यूमरेटर सेम होते हैं. जब ऊपर के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे बताते हैं? तो जो इसमें सबसे बड़ा नंबर होता है वो नंबर सबसे छोटा होता है. एसेंडिंग ऑर्डर में जब ऊपर के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा. तो जैसे इनमें सबसे बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में देखिए कौन सा है, 1/5, तो ये नंबर सबसे छोटा होगा. यानी हमें असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा. तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 1/5 छोटा होगा. देन इसके बाद होगा 1/3, देन 1/2. ये सिर्फ उसमें करते हैं जब ऊपर के न्यूमरेटर सेम होते हैं. मैं बार बार बता रही हूँ, जब ऊपर के न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जब सबसे बड़ा नंबर होता है वो पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, देन उसके बाद 1/3, देन 1/2. अब इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो अपना सबसे बड़ा नंबर होगा. जैसे 1/2 इनमें, फिर इसके बाद 1/3, देन 1/5, इस तरीके से. तो इस तरीके से हम एसेंडिंग और डिसेंडिंग बताएंगे. चलिए एक और क्वेश्चन करके समझते हैं. जैसे डी क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर सेम थे, इस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम है. अब डिनोमिनेटर सेम है तो एसेंडिंग ऑर्डर बताना है हमें, तो इसमें आसानी से बता सकते हैं. इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा न्यूमरेटर का वो वहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे 2/11. इसमें हमने क्या किया था, जो सबसे बड़ा वो हमारा छोटा था, इसमें जो छोटा नंबर होगा वो अपना सबसे छोटा नंबर होगा. देन इसके बाद आएगा 5/11, देन 8/11, इस तरीके से. अब है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में 8/11, देन 5/11, इसके बाद आएगा 2/11, इस तरीके से. इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इसमें आसानी से बता सकते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर होगा, छोटा फ्रैक्शन होगा, वो वाला सबसे छोटा होगा. देन उसके बाद 5/11, देन उसके बाद 8/11, इसी तरीके से डिसेंडिंग में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम पहले लिखेंगे फ्रैक्शन को, 8/11, 5/11, देन 2/11. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग बताएंगे. न्यूमरेटर जब सेम होते हैं तो जो सबसे क्या नाम है, बड़ा नंबर जो होगा वो छोटा होगा, और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग टू लोएस्ट टर्म. हमें ये फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. तो यानी इसका सबसे लोएस्ट टर्म यानी लाइक फ्रैक्शन हमें बनाना है. तो कैसे बनाएंगे, देखिए फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से. अब हमें इन टू नंबर्स को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, यानी दोनों नंबर एक ही टेबल में आए ऐसा नंबर हमें मल्टीपल लेना है. जैसे 10 और 18 कौन से टेबल्स में आते हैं, 10 और 18
18, यानी हमें ऐसा प्राइम नंबर लेना है ताकि ये दोनों नंबर उसमें आए। जैसे 10 अपॉन 18 दोनों ही एक ही टेबल में आने चाहिए। तो 10 और 18 कौन से टेबल में आते हैं? 10 और 18 आते हैं 2 की टेबल में। तो जैसे हम 2 की टेबल में आते हैं तो हम दोनों को ही 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 को हमने 10 से डिवाइड करा तो आया आंसर 5, 2 को 18 से डिवाइड करा तो आया आंसर 9। इस तरीके से 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो 5 और 9 दोनों ही 5 प्राइम नंबर आ गया, 9 यानी दोनों ही अलग अलग नंबर्स आ गए। तो इस तरीके से हमें जब तक करते जाना है जब तक अपना ये लोएस्ट सम ना आए, तो हमें तब तक इसको डिवाइड करते जाना। अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। 3 यहाँ पर 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो इस तरीके से ये अपना लोएस्ट टर्म हुआ। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे 25 अपॉन 45। तो दोनों को एक ही नंबर से करना है हमें डिवाइड, तो दोनों कौन से टेबल में आते हैं? दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से जो न्यूमरेटर को करेंगे वही डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 5 को 25 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5। इसी तरीके से 5 को 45 से डिवाइड किया तो आंसर आया 9। तो इस तरीके से इसका भी आंसर 5/9 आया। तो स्टूडेंट जो न्यूमरेटर को करेंगे डिवाइड वही डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो आंसर अपना लोएस्ट टर्म आया 5/9। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, रीता ईट्स 2/3 ऑफ अ केक, गीना ईट्स 1/4 ऑफ द केक्स एंड कमला ईट्स 1/12 ऑफ द केक्स। यानी रीता ने खाया है केक 2/3, गीना ने खाया है 1/4 केक, देन कमला ने खाया है 1/12 ऑफ द केक। अब बताना है हु ईट्स द मैक्सिमम शेयर, यानी सबसे ज्यादा किसने केक खाया है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले रीता ने कितना खाया है, रीता ईट्स इक्वल टू 2/3 केक, इतना खाया है। देन गीना ने कितना खाया है, 1/4 केक, इस तरीके से। देन कमला ईट 1/12 केक, इस तरीके से तीन फ्रैक्शन आ गए। तीन फ्रैक्शन कैसे, 2/3, 1/4, देन 1/12, इस तरीके से तीनों के फ्रैक्शन आ गए। अब तीनों में ही डिफरेंट फ्रैक्शन है, देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तीनों के ही अलग है। जब तीनों के अलग होते हैं डिनोमिनेटर तो हम क्या करते हैं, एलसीएम, क्या लेते हैं हम, एलसीएम। तो हम लेंगे एलसीएम इस तरीके से 3, 4, 12। हम डिनोमिनेटर का लेते हैं एलसीएम 3, 4, 12, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कौन से टेबल में आते हैं, देखिए 3, 4, 12, 3 और 12 तो आते हैं 3 के टेबल में, 4 नहीं आता है 3 के टेबल में। तो हम 3 प्राइम नंबर पहले लेंगे, 3, 1 जा 3, इस तरीके से। 4 नहीं आता है हमने ऐसे ही लिख दिया, देन 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3, 4 जा 12। अब इसके बाद 4, 1 जा 4, 4, 1 जा 4, इस तरीके से पहले 3 से करा, देन इसके बाद 4 के टेबल में दोनों आते हैं इसलिए यहाँ पर 4 से ले लिया। तो इसका एलसीएम क्या आया, 3 और 4, एलसीएम आया 3 × 4, 12। क्या आया एलसीएम इसका, यानी एलसीएम जो आया वही डिनोमिनेटर होगा, इसका आया 12 आया ना। हमने तीनों डिनोमिनेटर
हम करते हैं रीता कि रीता ने कितना केक खाया, तो रीता का था 2/3, तो 2/3 था रीता का। हम डिनोमिनेटर आया 12, तो 3 के टेबल में 12 कब आता है, 3 × 4, 3 के टेबल में 12 आता है 3 × 4, यानी 4 × 3 = 12। तो हम ऊपर न्यूमरेटर में भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा वही न्यूमरेटर होगा, तो 4 × 2 = 8, कितना है 8, इसके बाद 3 × 4 = 12, यानी रीता का आया, रीता ने खाया इतना 8/12। इसी तरीके से गीना का निकालते हैं, गीना का कितना था 1/4 मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 के टेबल में 12 कब आता है, 4 × 3 = 3 में आता है, तो हम इसको भी ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 3/12। इस तरीके से अब कमला ने कितना खाया, कमला का था 1/12। इस तरीके से अब 12 के टेबल में 12 कब आता है, 12 के टेबल में 12 आता है 1/1 में आता है, तो ऊपर भी हमने 1 से मल्टीप्लाई करा न्यूमरेटर में, तो 1 × 1 देन 12 × 12, इस तरीके से ये 3 आ गए नंबर, ये 3 नंबर्स आ गए, 8/12, 3/12, 1/12। अब बताइए, अब डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम केक किसने शेयर किया, तो किसका आ रहा है, रीता, रीता ने सबसे ज्यादा केक खाया, कितना 8/12, तो 8 इसका आंसर होगा, रीता ईट्स द मैक्सिमम केक, यानी इसका आंसर होगा कि रीता ने सबसे ज्यादा केक खाया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किस तरीके से डिफरेंट आते हैं, तो हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आता है वो अपना डिनोमिनेटर होता है, इस तरीके से डिनोमिनेटर आया अपना 12, एलसीएम लेने के बाद फिर हमने रीता ने इतना केक खाया उसके हिसाब से हमने 2/3, तो 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर न्यूमरेटर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 8/12। इस तरीके से गीना देन कमला, तो इनमें हमने आसानी से पता लगा लिया कि सबसे ज्यादा केक किसने खाया, रीता ने। तो आई होप स्टूडेंट यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम करते हैं अब होमवर्क, नोट कर लीजिए होमवर्क, राइट डाउन, तो स्टूडेंट होमवर्क लिख लीजिए, राइट डाउन का होमवर्क, मैथ्स होमवर्क एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपको करना है एचडब्ल्यू नोटबुक में, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, तो आप करिए इसको, और कुछ समझ में नहीं आता है तो अपनी जब भी गूगल मीट होगी आप उसमें मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।